यारब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। शकीउल कल्ब इंसान है, कत्ल हो गया, कत्ल कर दिया एक इंसान को, एक इंसान को कत्ल कर दिया। कत्ल की सजा खुद मौत या कत्ल है? सोचा मैं तौबा कर लूँ, गलत हो गया ये काम तो नहीं किया, तौबा कर लेता तो माफी हो जाती, नहीं की, एक और कत्ल कर लिया, जिंदगी बीतती चली गई और इसके हाथों कत्ल होने वालों की तादाद भी बढ़ती चली गई। आप सुन के हैरान होंगे, ये तादाद 2, 4, 5, 10, 15, 20 नहीं थी, ये तादाद बढ़ते 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 99 कत्ल कर दिए, 99 कत्ल कर दिए। शायद आप लोगों को याद हो, मैं कोई रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन खुद हमारे मुल्क में एक केस बहुत मशहूर हुआ था कि जिसमें एक शख्स ने गिन के 100 बच्चे मार दिए थे, गिन के 1, 2, 3, 4, फिर खुदा की गिरफ्तारी दे दी थी, जावेद इकबाल नाम था शख्स का, खैर बार 99 कत्ल कर दिए। फिर जाने क्या हुआ कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अब वो उसे एहसास हुआ, अब उम्र भी ढलती जा रही है, मौत भी सामने नजर आ रही होगी कि अब तो पता नहीं, ये तो काउंटडाउन शुरू हो गया उल्टा, तो अब वो सोच रहा है कि एक कत्ल की सजा हमेशा की जहन्नुम में, मैंने 99 कत्ल कर दिया क्या होगा। इसी कंफ्यूजन में इसके कदम एक शख्स की जाने बढ़े जो कि इबादत गुजार था, शनाख्त उसकी कि आबिद है, जिसकी इबादत और रियाजत का बड़ा चर्चा था, सर झुका हुआ है, पैर लरज रहे हैं, आंखें भीगी हुई हैं, बदन कांप रहा है, पशेमानी की पीक है, उस आबिद के सामने, उस शख्स के सामने बैठ गया। कहा भाई क्या माज रहा है, ये क्या आलम है, इतना क्यों घबराए हो, इतना क्यों डरे हो, इतना क्यों कांप रहे हो, क्या हुआ? कहा मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, इकरार करना चाहता हूँ, क्या मुझसे कोई गुनाह हो गया? बताओ, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, क्या गुनाह हो गया? आंखें बह रही हैं और आबिद सुन रहा है, क्या कहा, क्या गुनाह हो गया? मुझसे कत्ल हो गया, कत्ल हो गया, कत्ल हो गया, हाँ, और एक कत्ल नहीं हुआ, एक से ज्यादा कत्ल हो गया, एक से ज्यादा कत्ल हो गया। यानी ये भी पता लग गया कि ऐसा नहीं कि कोई एक मोमेंट हुआ जिसमें कुछ ये वाकया हो गया, तो एक से ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये तो प्लान्ड चीज हुई है। का एक से ज्यादा का मतलब भी दो नहीं, उसे 99 कत्ल हो गए। अब जो ये सुना तो ये सुनने वाले का चेहरा सुर्ख हो गया, गोया इसने बहुत ही जज्बात के आलम में कहा कि तू निकल जा यहां से, इतना बड़ा गुनाह के मतलब तेरी तो तौबा कबूल हो ही नहीं सकती, तूने 99 लोगों को मार दिया, कुछ नहीं हो सकता तेरा, अगर मैं अपने अल्फाज में कुछ नहीं हो सकता। अब ये जो वैसे ही बिल्कुल ही मायूस हुआ था, इसने किस तरह रिएक्ट किया होगा, इसने इस तरह रिएक्ट किया कि ये मायूस इंसान था ना, मायूस इंसान इंसान इंतकाम पे उतर आता है, तो इसने किस तरह रिएक्ट किया? ये आदमी जो 99 लोग मार चुका है और अपेरेंटली रिग्रेट कर रहा है, इस पर रिग्रेट करने के लिए आया था, माफी मांगने के लिए आया था कि कुछ ऐसा बताइए कि मुझे मेरी तौबा हो जाए, अब जब इसको बताया गया कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, इसने क्या किया? इसने ना आओ देखा, ना ताओ खंजर निकाला, जिस शख्स ने इसको अभी बताया था, जिसको वो आबिद समझ के आया था, उसे मार दिया, 100 कत्ल मुकम्मल कर लिया। लेकिन वो दुखी था, 100 कत्ल हो गया, अब ये शख्स सर झुकाया जा रहा है, अब इसकी मुलाकात किसी अहले दिल और अहले नजर से होती है। का मायूस क्यों है? सारा वाकया बताया, मैं दोहरा तो नहीं, सारी उसने कहानी बताई कि ये हुआ था, मैं क्या करूं अब, उससे तो 99 के बाद मैं 100 भी मारा हूं। एक काम करो, फलां बस्ती में एक अल्लाह वाला रहता है, उसके पास जाके अपने गुनाहों का इकरार कर, तौबा कर, वो अल्लाह से तेरे लिए दुआ करेगा, तो जब तेरी बख्शिश का सामान होगा, डूबते को तिनके का सहारा, उम्मीद की किरण जाग गई, ना अपने घर लौटा, ना बाल बच्चों को वसीयत की, उसी जगह से रुख बदल कर बस्ती की तरफ रवाना हो गया। सफ़र तवील था लेकिन इसका अज़्म जलील था, चलता रहा, गोया इसका हर कदम तौबा की जानिब बढ़ रहा है। अजब वाक़या हुआ, ये जब चला है
तो अब ये तय करके चला है कि मैंने अब ये काम नहीं करना है, अब नहीं करना ये काम, अब तौबा, सच्ची तौबा का इरादा करके चला है। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है और जा रहा है उस तरफ अपने अमल की बख्शिश के लिए। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एक अजब मामला हुआ इस रास्ते में, अल्लाह ताला के अपने फैसले होते हैं, इसे मौत आ गई। अब आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए। अब शायद ये सुन के हैरानी हो मुझे हुई कि फरिश्ते ये कौन से वाले थे, अजाब देने वाले थे या रहमत के? दोनों दोनों। क्यों? अजाब देने वाले कहते हैं इसने 100 लोग किए मारे और अभी ये तौबा की गर्ज, यानी जा रहा था किसी से मिलने वो, लेकिन वो अमल हुआ नहीं अभी, तो उसकी तौबा अभी कबूल ना हुई हो। और रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, उसने तौबा की नीयत तो कर ली थी, तौबा के सफर पे चल भी पड़ा था। तौबा का सफर तो वो होता है जब आदमी की आंखें भीग जाती हैं, जब उसके हाथ बेख्तियार उठ जाते हैं, वो दुनिया और माफिया से बेगाना होकर अपने रब की तरफ रुजू करता है। तो अभी इसने ये सब तो कर लिया था ना, अब जिंदगी ने वफा नहीं की, अल्लाह ताला का फैसला था। तो अब तय करना है कि इसका अंजाम क्या होना है, इसको उस दलील की बिना पर आग में जाना है या इसको इस दलील की बिना पर जन्नत में जाना है या जहन्नुम में नहीं जाना है। तय ये हुआ कि फैसला हो गया, कदम नापे जाएं। कदम नापे जाएं क्या मतलब भाई, अगर मैं इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं, यानी वो प्लेस या वो शहर या वो बस्ती जहां उसने 100 कत्ल किए थे, वो बस्ती जहां 100 कत्ल किए, और वो बस्ती जहां वो तौबा करने के लिए जा रहा था, तो यहां इसने गुनाह किए और इसने इरादा किया है कि अब मैंने गुनाह नहीं करना और अभी इस तरफ इस बस्ती की तरफ बढ़ा है। अब यहां से यहां का फर्ज कर लीजिए फासला 100 कदम है, फर्ज कर लें ये डिस्टेंस नापा जाए, तो अब देखा जाए कि ये कहां तक पहुंचा था। तो पता ये चला कि, यानी अब देखना ये कि इसने अगर 100 कदम है तो ज्यादा डिस्टेंस करीब, यानी अब ये जब इसकी मौत बाकी हुई है तो ये ज्यादा करीब इस बस्ती से है जहां 100 लोग मारे, या ज्यादा करीब इस बस्ती से है कि जहां पर तौबा की गर्ज से जाने लगा था। अब जब कदम नापे गए तो देखा गया कि वो इस बस्ती से ज्यादा करीब था जहां उसकी तौबा कबूल होनी थी। बल्कि मैंने उलमा कराम से ये भी सुना कि गोया खुदावंद ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि बस तू कुछ सुकड़ जाओ और ये शख्स कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि ये शख्स इस बस्ती से करीब हो जाए कि जहां ये तौबा इसकी कबूल होनी थी। बस जब ये देखा गया कि वो उस बस्ती से उसके कदम दूर हो गए थे और इस बस्ती से ज्यादा करीब आ गया था जहां तौबा कबूल होनी थी, बस इस बिना पर रब्बे ताला ने उसे माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। यानी गोया वो बख्शिश के बहाने ढूंढता है, अगर बस मैं इतना अनलकी ना हूं कि इस का फायदा ना उठा सकूं। ये वो रिवायत है इसमें सरकार दो आलम ने गुनाह में डूबे हुए इंसानों के लिए उम्मीद की एक राह दिखाई। तो रब तो बड़ा माफ कर देने वाला है, उसके माफ कर देने के अंदाज भी निराले हैं। बस आखिरी कुछ दो तीन बातें सुनिए और इख्तिताम करते हैं। कुछ दास्तानें हिकायतें ऐसी हैं कि बात आसानी से समझने बड़ी मदद मिलती है। एक हिकायत है लेकिन मुझे इस वाक्य ने बड़े एक लम्हे को झिझोड़ दिया। वो क्या, मजबूर कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। एक मुल्क का दस्तूर था, मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील कर देते थे। हर नए आने वाले बादशाह से लोग एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाते थे कि एक साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद बादशाह अपने अहदे से दस्तबरदार हो जाएगा, और दस्तबरदार नहीं होगा, सिर्फ दूर दराज एक जजीरे पर उसको छोड़ दिया जाएगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। और जजीरा कैसा है, बड़ा ही दहशतनाक, वहशतनाक, अजीब, गरीब, वीरान, दरिंदे, और एक साल की बादशाही कैसी, कमाल, महल, बागात, नहरें, वसी वरीस, ताकत, सर हर चीज, एक साल मुकम्मल हो जाएगा उस जजीरे, एक साल ये याशी से भरपूर, फिर उसके बाद ये सब जहां वो अपनी बक्की जिंदगी गुजारेगा। अब जब भी एक साल कंप्लीट होता था तो वो बादशाह जिसको छोड़ा जा रहा होता जजीरे पे, वो बड़ा अफसोसनाक और गमजदा लम्हात होते थे, क्योंकि वो इतनी अजीम सल्तनत से निकलकर एक बड़े गुमनाम वहशतनाक जजीरे में जा रहा होता था जहाँ उसने हमेशा के लिए रहना होता था। ये सालों तक ये चांद चलता रहा। एक दफ़ा एक बादशाह आया, उसकी ज़रा अप्रोच डिफरेंट थी। उसने आते ही एक काम किया जो पहले कोई नहीं करता था। क्या? उसने जजीरे का दौरा किया जहाँ उसने साल बाद जाना था। तो उसने क्या देखा, जजीरा कैसा है, हू का आलम है, खौफ, दरिंदे, भेड़िए, पिछले बादशाहों के ढांचे। वो समझ गया कि मेरा भी इसका तो यही हाल होना है।
पिछले वाला तो कोई कभी आया ही नहीं था देखने ना इससे पहले तो। इससे पहले वाले बादशाह भी सोचते थे कि जजीरे का दौरा करेंगे, इख्तदार में आते थे, इतना गुम हो जाते थे कि वो उनके जहन से बात ही निकल जाती थी, देखते ही देखते साल गुजर जाता था और बात खत्म। खैर इस बादशाह ने क्या किया, जिंदगी ये भी अच्छी गुजार रहा था मगर इसने काम किया, इसने अपनी जो तनख्वाह थी उसका एक माकूल हिस्सा एक काम के लिए वक्फ कर दिया। क्या? वो अपनी तनख्वाह के एक माकूल हिस्से से उस जजीरे की तामीर कराने लगा जहां उसने बादशाह के बाद रहना था। सो अब ये जब इख्तदार में आया, कुछ ही दिनों बाद जजीरे की सफाई का आगाज हो गया, अब वहां तामीरात शुरू हो गए, अब वहां खूबसूरत बाग बनवा दिया, फिर कुछ आसाइश वाली चीजें बनवा दी, यहां तक के साल में उस जगह का नक्शा ही तब्दील हो गया, अब साल मुकम्मल हो गया। अब हिस्बे रिवायत वहां के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाकर हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी रियाया को खैरबाद कह के जाए। एक चीज अजीब हुई लोगों ने देखा, क्या ये बादशाह अपनी इस अलविदाई तकरीब में बहुत खुश था। लोग हैरान हुए, लोगों ने से पूछा कि भाई सारे बादशाह जब यहां से जा रहे होते हैं तो बहुत रो रहे होते हैं, तुम हंस रहे हो, आप हंस रहे हैं, आप किस कदर खुश होने की क्या वजह क्या है? उसने जवाब दिया कि मुझसे पहले वाले बादशाह एक काम करते थे जो मैंने नहीं किया। क्या? मुझसे पहले वाले बादशाह सारा जोर उस एक साल की शाहाना जिंदगी को संवारने में लगा देते थे जहां उन्हें बाकी जिंदगी गुजारनी थी, और जहां उन्हें बाकी जिंदगी गुजारनी थी वो महलात और हुकूमत की रंगीनियों में उस जगह को भूल जाते थे। मैंने एक साल की जिंदगी कुछ सादगी से गुजारी है लेकिन जहां मैंने हमेशा के लिए जाना है उस जगह को मैं संवारता चला गया, बस अब मैं वहां बहुत पुरसकून जिंदगी गुजारूंगा, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूं। अब जब मैं ये कहा सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार कमाल है, सारे बच्चे इतने बेवकूफ थे, इनको इतनी सादा बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई एक जगह एक साल रहना है और दूसरी जगह 10-20-30 साल से भी ज्यादा रहना है, जब तक जिंदा रहना है वहीं रहना है, तो फिर भी उन्होंने उस जगह के लिए कुछ नहीं किया, तो बहुत ही बेवकूफ थे। मगर अगले ही लम्हे मैंने सोचा कि इस बादशाह को बहुत आसानी से मैंने बेवकूफ तो कह दिया, तो कहीं मैं खुद भी उसे बेवकूफी नहीं कर रहा या उससे भी हजार गुना बड़ी बेवकूफी तो नहीं कर रहा, इसलिए कि उस बादशाह ने तो उस जजीरे की तैयारी नहीं की जहां उसने कुछ साल गुजारने थे, लेकिन क्या मैंने उस जजीरे की या उस दुनिया की तैयारी की है जहां मुझे 10 नहीं 20 नहीं 10 हजार नहीं 20 हजार नहीं 20 लाख नहीं हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और ये हमेशा हमेशा जो कहना आसान है ये कितना है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम दो बातें सुनते हैं और बात ख़त्म करते हैं। ये कि कितना है कि वो ज़िंदगी कितनी बड़ी है। एक कौल है, ज़मीन और आसमान अगर बाजरे के दानों से भर दिए जाएं और कोई परिंदा 1 लाख या उससे भी ज्यादा सालों के बाद आए, विजुलाइज कीजिएगा, और उसमें से एक दाना ले जाए और फिर वो ये अमल 1 लाख साल बाद दोबारा दोहराए। मैं फिर दोहराता हूं, जमीन और आसमान बाजरे के दानों से भर दिए जाएं, एक परिंदा आए उसमें से एक दाना उठाए, फिर 1 लाख साल बाद दोबारा आए फिर उसमें से एक दाना उठाए, तो तब भी एक वक्त आएगा, पता नहीं कब आएगा लेकिन एक बहुत ही पता नहीं कब आएगा लेकिन एक वक्त आएगा जब वो दाने खत्म हो जाएंगे। भाई कई खरब साल लग जाएंगे मगर एक दिन आएगा जब वो दाने खत्म हो जाएंगे। फरमाया वो दाने किसी रोज खत्म हो जाएंगे, आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। इसकी लेंथ का ये आलम है। सरकार दो आलम ने फरमाया इसी टॉपिक पे लेंथ, कोई शख्स समंदर में अपनी उंगली डुबोले निकाल ले तो ये जो पानी इसकी उंगली में लगता है ना, मतलब कितना होगा, वो होगा ही नहीं कुछ, ना होने के बराबर ही होगा ना, का बस ये जो पानी इसकी उंगली पे लगा है ना, ये है दुनिया की जिंदगी। और इसके मुकाबले में आखिर की जिंदगी क्या है, का ये जो पूरा समंदर है ना, ये है आखिरत की जिंदगी। दास्तान खत्म हो रही है, बस बात खत्म हो रही है।
ये हिकायत सुनते जाइए। एक बुजुर्ग है, मसरूफ बाजार में बैठे हैं, गुमसुम हैं, गहरी सोच में हैं, थोड़ा परेशान हैं। एक शख्स गुजरा, पूछा क्या मामला है? कहा कुछ नहीं, एक काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ? बंदों में और खुदा में सुलह करा रहा हूँ, बंदों में और खुदा में सुलह करा रहा हूँ। अच्छा भाई, इसी तो क्या स्टेटस है, हो गई सुलह? नहीं हुई। कहा नहीं, बात नहीं बन रही। अच्छा क्यों? कहा इसने कि खुदा तो माफ करने को तैयार है। अच्छा, नहीं बंदे ही नहीं मान रहे। अच्छा हाँ, खुदा इंतजार में कि बंदा आए मगफरत तलब करे। शबे तौबा है ना, तौबा का दरवाज़ा खुला है, बंदे मसरूफ़ हैं, तो सुलह नहीं हो रही। ये अपने समझाने के अंदाज में भी कह रहा है, बस सुलह नहीं हो रही, लेकिन खुदा राजी ये नहीं मान रहा है। ठीक, कुछ दिन गुजर गए, यही बुजुर्ग है, अब ये कब्रस्तान में बैठा है, पहले से ज़्यादा सोचों में गुम। वही शख्स दोबारा गुजरा, क्या हो रहा है? कहा वही, क्या खुदा और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। अच्छा, क्या स्टेटस है? हुई सुलह नहीं हुई, क्यों? कहा अब बंदे मानने को तैयार हैं, अब तो वो तड़प रहे हैं कि किसी तरह खुदा को राजी कर दें, अब खुदा राजी नहीं है, अब देर हो गई है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब सही वक्त पर सही अंदाज से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार या मुजीर, बारेला महशर की आग से हमें महफूज रखना। इलाही वास्ता रहमत का तुझको, इलाही वास्ता वुसअत का तुझको, इलाही वास्ता अजमत का तुझको, इलाही वास्ता कुव्वत का तुझको। खताएं बख्श दे सारी इलाही, मुसीबत सर पे है भारी इलाही। अब आजकल के हालात से भी ज़रा रिलेट कर लीजिए, मेरे और आपके भाइयों बहनों बेटियों बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। हर एक सीने में दिल घबरा रहा है कि शिराज़ा बिखरता जा रहा है, अखुवत हो रही है पारा पारा। सहारा दे सहारा दे सहारा, खताओं से हमारी दर गुजर कर, इलाजे सोजिशे दागे जिगर कर। हवादिस पर हवादिस हो रहे हैं, किए पर अपने हम पछता रहे हैं, जो खामी है हमारी दूर फरमा। दुआओं में असर दे मेरे मौला, वतन की जान पर ही बन गई है, बड़ी दौलत थी हाथों से लुटी है, छुटा उम्मीद का हाथों से दामन, जली कुछ इस तरह से शाखें गुलशन, हुई है कुफर की यलगार हम पर, हमारी क्यों चली तलवार हम पर, कहीं अखबार की सुर्खी जमी है, कहीं दोशीजगी लूटी गई है, कहीं बच्चा कोई अगवा हुआ है, मेरे मौला हमें क्या हो गया है, कहीं घर को जलाया जा रहा है, कहीं भाई को भाई खा रहा है, कहीं कोई तकरीब का पैगंबर है, कोई दुश्मन का मंजूर नजर है, किसी को गैर से इमदाद आई, दुहाई है दुहाई है दुहाई, मुसलमा को मिटाया जा रहा है, निगहबा को सुलाया जा रहा है, गिला शिकवा नहीं ये इल्तिजा है, मुसलमानों से क्यों नाराज सा है, मुसलमा को बना सच्चा मुसलमा, बने अब गैब ही से कोई सामा, मुसलमा से मुसलमा दूर क्यों है, हर एक अपनी जगह मजबूर क्यों है, मुसलमा का लहू इर्ज़ा हुआ है गजा, चमन तौहीद का वीरा हुआ है, तेरे महबूब की महबूब उम्मत, जमाने में हुई गर्क़े निदामत, मुसलमा को अता कर जोर हैदर, सफ़े दुश्मन को तू जेरो जबर कर, बचा मिल्लत को तू अपने करम से, करीमाना नजर मत फेर हमसे, कि तेरे ही करम का आसरा है, वगरना पास अपने और क्या है, खुदाया बस, 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 तेरी रहमत है दरकार, हमें मालूम है हम हैं गुनाहगार, फकत एक आसरा बाकी है तेरा, वगरना चार सू छाया अंधेरा। गुनाहों ने दुआएं छीन ली हैं, खताएं कुछ ज्यादा हमने की हैं, खुदाया अपनी रहमत आम कर दे, बहुत बिगड़ा हुआ है काम कर दे। यार अब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसी आप पे शर्मसार हूँ।